हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशांक जैन है और मैं को-फाउंडर हूँ वुडोफा इंटीरियर्स का। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़रूरी टिप शेयर करना चाहता हूँ आपके घर के इंटीरियर को लेके। क्या आपको मालूम है, आप अपने घर में अगर एक सिंपल सा हैक यूज़ करें और अपनी सोफ़े की अपोस्ट्री या अपने बेड का अपोस्ट्री चेंज कर लें, तो आपके घर का लुक 70% तक अच्छा हो जाएगा। बिफोर आई डू दैट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, नीचे है और उसके साथ एक घंटी का बटन है, वो भी क्लिक कर दीजिए। आप अपने घर में एक लोकल फैब्रिकेटर या एक लोकल सोफे वाले को बुला के काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। एक तो आप अपने सोफ़े की अपोस्ट्री या सोफ़े का लुक, वो भी चेंज किया जा सकता है, या फिर आपके पफीज, आपके बेंचेस या आपके जो पुराने स्टूल्स हैं उसके ऊपर भी नया फैब्रिक चढ़ा के उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस तरीके की क्विल्टिंग आजकल बहुत मशहूर है, जिसको हम चेस्टरफीड क्विल्टिंग भी बोलते हैं। ये बटन में भी बन सकती है और बिना बटन के भी बन सकती है। आप ये सेम क्विल्टिंग अपने पुराने पफी पे भी कर सकते हैं और ये सेम क्विल्टिंग आप अपने नए सोफे पे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको एक्सेंट डालना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मेटल या थोड़ा सा वुड अगर आप डाल दें इसके लेग्स में, तो ये नया लुक एंड फील बन जाएगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने सोफ़े को अपने एक लोकल सोफ़ा ठीक करने वाले से कैसे अच्छा बना सकते हैं। जो आप यहाँ पर सोफ़ा देख रहे हैं, इसकी पहले हाइट बहुत ऊँची थी। ये काफ़ी बल्कियर सोफ़ा था, जैसे पुराने ज़माने में हैवी लकड़ी के साथ बनाया करते थे। इस सोफ़े में अगर आप देखें अब नए सोफ़े को, तो इसकी चेयर पर हमने क्या करवाया, इसकी हाइट को रिड्यूस कर लिया। इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्री के पैटर्न्स आप डाल सकते हैं सोफ़े फैब्रिक के, जो कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसके अंदर हमने सोफ़े के डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स और उसकी ऑलरेडी बात करी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर देख सकते हैं कि उस वीडियो के बारे में। इस सोफ़े पर अगर आप देखें तो इसकी हमने बल्किनेस कम करने के लिए इसकी हाइट को थोड़ा रिड्यूस कर दिया, नीचे से इसकी गद्दी को थोड़ा छोटा किया और इसके मत्थों को भी थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब ये थोड़ा स्लीक चेयर की तरह दिखने लगा है। इसी तरीके से इसका 3 सीटर और इसका 2 सीटर भी बनवाया, जिस केस में ये पूरे रूम के अंदर एज अ स्लीकर मॉडर्न फिनिश और एक सोफ़ा, मॉडर्न सोफ़ा दिखने लगा। तो इस तरीके से आप अपने लोकल सोफ़ा वाले को बुला के अपने घर में अपने पुराने सोफ़े की अपोस्ट्री या फिर उसके लुक्स या फिर उसका थोड़ा सा ट्रेंड पैटर्न चेंज कर सकते हैं। इस टिप में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग बेड को चेंज करें तो आपका रूम का लुक चेंज हो जाएगा। एक एग्जिस्टिंग बेड आपके पास होगा घर में, चाहे वो साइज़ 5x6 हो या 6x6 हो, उसके बैक पैनल को आप एक एडिशनल क्विल्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप अपने बेड के प्लाई के ऊपर अपने क्विल्ट वाले को या सोफ़े वाले को जब आप बुलाएंगे तो ऊपर प्लाई लगाएं, प्लाई के ऊपर फोम लगाएं और फोम के ऊपर एक कपड़ा चढ़ा लें। अब ये कपड़ा वेरियस टाइप का हो सकता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में शेयर करा है कि कितने टाइप के कपड़े अवेलेबल हैं या कितने टाइप के फैब्रिक्स हैं मार्केट में जो कि आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके वेरियस पैटर्न्स ऑफ क्विल्ट अवेलेबल हैं, चाहे आप ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखें जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, या वर्टिकल पैटर्न देखें या फिर हॉरिजॉन्टल पैटर्न देखें, तो बहुत सारे पैटर्न्स क्विल्ट के अवेलेबल हैं। आप अगर इसको दें अपने क्विल्ट वाले को तो वो आपका एग्जिस्टिंग बेड को एक नया क्विल्ट लगा के चेंज कर सकता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इतने दिनों से सिर्फ आपके लिए, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें।